नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर आप सबका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज सीकर्स हब पे स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको 5 अगस्त को रिलीज हो रही रोमांटिक फिल्म सीता रामम के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे और बेहतरीन वीडियोस के साथ आप सबका मनोरंजन कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। वैजयंती मूवीज दुलकर सलमान, रश्मिका मंदाना और मृणाल ठाकुर अभिनीत बहुप्रतीक्षित रोमांटिक गाथा सीतारामम लेकर आ रहा है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के निर्माताओं ने अब फिल्म की रिलीज की तारीख की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। हनु राघवपुरी द्वारा निर्देशित सीतारामम 5 अगस्त को स्क्रीन पर आएगी। यह फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में एक साथ रिलीज होने वाली है। तेलुगु में सीतारामम की टैग लाइन युद्धम तो रसीना प्रेम कथा, जिसका मतलब है युद्ध के साथ एक प्रेम कहानी। यह इशारा करता है कि फिल्म में रोमांस के साथ युद्ध का विषय भी होगा। यह जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में 1960 के दशक की पृष्ठभूमि में स्थापित की गई है। यह फिल्म लेफ्टिनेंट रघुराम यानी दुलकर सलमान और उनकी प्रेमिका यानी मृणालिनी ठाकुर के बीच की एक प्रेम कहानी है। फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है, जो आफरीन के रूप में एक बहुत ही खास भूमिका निभाती है। विशाल चंद्रशेखर ने फिल्म के लिए गीतों की रचना की है और निर्माताओं ने 9 मई को पहला एकल ओ सीता हे राम रिलीज किया था, जो बहुत मधुर है। अनाउंसमेंट पोस्टर को देखते हुए यह एक सुखद रोमांटिक नंबर होने जा रहा है, जहां दुलारे सलमान बारिश में मृणालिनी का पीछा करते नजर आ रहे हैं। पोस्टर फिल्म में उनकी केमिस्ट्री के बारे में बताता है। पीएस विनोद फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं। अपडेट्स के अनुसार दुलकर वर्तमान में चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट की शूटिंग में व्यस्त है, जबकि उनका किंग ऑफ कोठा इसके पोस्ट प्रोडक्शन है। फिल्म के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही घोषित की जाएगी। सीतारामम में सुमंत, गौतम मेनन, प्रकाश राज, तरुण भास्कर, शत्रु, भूमिका चावला, रुक्मणी विजय कुमार, सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, वेनेला किशोर और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। सच कहे तो ट्रेलर देखकर मुझे सुपरहिट फिल्म रोजा की याद आ गई। फिल्म आने में अभी वक्त है, लेकिन ओ सीता हे राम का संगीत वाकई बेहद मधुर और प्यारा है, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री बेहद प्यारी लग रही है। इस साल की एक्शन फिल्मों के बीच में यह एक रिफ्रेशमेंट है और लगता है दर्शक इसे जरूर पसंद करेंगे। तो आज आप सबसे यहीं पे इजाजत ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट में जरूर लिखें ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो वाकई में पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह फिल्मी जगत की रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद और जय भारत।